हेलो फ्रेंड्स, आज का लेसन 4 है कैपिटल लेटर सी। साथ ही इस लेसन के साथ आपके ए बी एंड सी 3 लेटर कवर हो चुके हैं, तो इस लेसन में मैं आपको 3 लेटर वर्ड की ब्लेंडिंग भी सिखाऊंगी और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप दूंगी। वेलकम टू माय चैनल मदर्स नॉलेज। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस चैनल में मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो लाती रहूंगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन 4 कैपिटल लेटर सी। पहले की तरह आपको फ्लैश कार्ड बना लेने हैं, सी लिख लेना है और बच्चे को सी लेटर ट्रेस करने के लिए बोलना है। सी लेटर ट्रेस करने के साथ साथ आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा दिस इज राइट हाफ सर्कल सी, और साउंड लेटर को ट्रेस कराते साथ ही आपको साउंड बतानी है कि सी साउंड ख, 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 क नहीं बतानी है, ख, ख, आपको मुंह से हवा बाहर निकालनी है। सी साउंड आपके गले पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, सी साउंड। फिर आपको क्या करना है, आपको बच्चे को रिटन प्रैक्टिस करानी है, ऐसे स्लेट पे सी लिखने के लिए बोलना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, अगेन आपको सी की साउंड की पहचान करानी है, किन किन वर्ड्स में आती है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट तो हमारा कैट ही हो गया, ऐसे आप बच्चे को बता सकते हैं सी ख, 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 एट कैट, ख, अ, कप, ख, एप, कैप। तो ऐसे सी लेटर और सी लेटर की साउंड की प्रैक्टिस आप बच्चे को कराएंगे। फिर अगर आपका बच्चा सी लेटर और सी लेटर की साउंड की पहचान अच्छे से कर लेता है, फिर हमारा आता है इसको ए बी और सी को मिला के जो वर्ड बनता है कैब। कैब अब हम यहाँ पे करेंगे। देखिए फिर आपको बच्चे को कैसे कराना है, जो आपने इससे पहले लेसन में ए बी बच्चे को कराया था, आपको पहले स्टेप पे उसको ए बी शो करना है, एक हल्की सी रिवीजन देनी है, एब, एब। और एक ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखिए आपके बच्चे को लेटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर अब यहाँ पे आपके बच्चे को और साथ में आपको भी एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब हम ब्लेंडिंग सीख रहे हैं, जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे, तो जैसे अब हमें इसकी ब्लेंडिंग करनी है, ए बी टू लेटर वर्ड की ब्लेंडिंग करनी है, तो यहाँ पे बार बार हम ए लेटर बी लेटर नहीं बोलेंगे। जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जब हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ साउंड बोलनी है कि जैसे अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगी ए ए बी ब, मैं सीधा इसको साउंड करूंगी, साउंड बोलूंगी इनकी ए और बी लेटर की, ए ब, एब, एब। फिर ऐप दिखा के बच्चे को ऐसे जैसे ये ऐप बता के फिर आपको बच्चे को बताना है कि बेटा देखो ऐप के सामने अब सी आ गया, अब क्या बन गया, ख, एब, ख, एब, ख, एब, कैब। देखिए एक तो ये था फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाने का। अब जैसे कि हम स्लेट पे भी बच्चे को बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं, साथ में रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चे की, जो अगेन जो छोटा बच्चा है उसका हाथ पकड़ के कराइए, जो बच्चा लिख सकता है उसको अपने आप लिखने के लिए बोलिए। कैसे करेंगे आप, जैसे ऐसे स्लेट ले लेंगे, पहले बच्चे को सी लिखने के लिए बोलेंगे सी, फिर आप बच्चे को बोलेंगे ए, फिर बी, फिर आप बच्चे को रीड करके बताइए ए ब। अगेन ये तो आपकी क्या होगी, चोपी ब्लेंडिंग होगी। बच्चे को साउंड में कनेक्शन के लिए आपको हमेशा स्मूथ ब्लेंडिंग का यूज करना है, बच्चे को साउंड को कनेक्ट करना आना चाहिए, ख, एब, ख, एब। देखिए इस वर्ड में आप केवल ए की साउंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, सी और बी की साउंड को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। दोबारा से मैं आपको करके बताती हूं, ख, एब, ख, एब, ख, एब, खैब। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए आप दूसरे तरीके से फिर कैसे बता सकते हैं कि अगेन जैसे फ्लैश कार्ड पे हमने किया, ए बी लिख के दिखाइए, ए बी, एब, एब, एब। फिर आप बच्चे को बताइए कि बेटा अगर यहाँ पे सी आ जाए तो क्या चेंज हो जाएगा, अब ये क्या बन गया, ख, एब, ख, एब, कैब। तो देखिए इस तरीके से आपके बच्चे को कराना है, और इस बात को मत भूलना कि बच्चे पे आपको प्रेशर नहीं डालना है, आपको बच्चे को इस तरीके से नहीं कराना है कि बच्चे को एक बर्डन लगे, एक काम लगे कि हाँ हमारे ऊपर तो बर्डन डाला जा रहा है। आपको एक मतलब बहुत ही हल्के तरीके से कराना, उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। एक सीटिंग आपको
5 मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा की नहीं देनी है। आप 10 मिनट की सीटिंग अगर आपकी हो जाती है तो आप 2 से 3 सीटिंग इस तरीके से दीजिए, नहीं तो ये काम हम 5 मिनट में भी आराम से करा सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ऐसी सीटिंग आपको एक लेसन के लिए 3 दिन तक देनी है। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बच्चे के साथ रिपीटेड प्रैक्टिस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप बच्चे को जितना रिपीटेड प्रैक्टिस कराएंगे, जितना बच्चे के सामने बार बार इन चीजों को लाएंगे, उतना ही बच्चा आसानी से और उतने ही अच्छे से चीजों को कैच करेगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट में बात आती है यूजफुल टिप की। यूजफुल टिप है आपके बच्चे को, अगेन आपके बच्चे के ईयर को साउंड की ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए आपको कैसे करना है, जैसे आपके अब इस स्टेज तक आप 3 लेटर कंप्लीट कर चुके हैं, ए बी एंड सी, तो आप बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं, एक खेल खेल सकते हैं, मीन्स एक गेम खेल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि बेटा देखो मैं ए साउंड बोलूंगी, ए साउंड बोलूंगी तो आपको क्लैपिंग करनी है, ए ए ए ए ए, इस तरीके से आप करेंगे। तो मतलब करना किस तरीके से है, पहले उसको आप बताएंगे कि मैं ए लेटर बोलूंगी, ए की साउंड बोलूंगी तो आपको क्लैपिंग करनी है, मीन्स ए लेटर नहीं सॉरी सिर्फ आपको साउंड बोलनी है, ए ए। बी साउंड बोलेंगे तो आपको इस तरीके से जंपिंग करनी है। सी के लिए आप और कोई सेक्शन चूज कर सकते हैं। पहले आपको इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चे को, इस तरीके से करेंगे। देखिए आप इसको करेंगे ना, आपका बच्चा खूब इंजॉय करेगा इसमें और आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो इस तरीके से आपने तीनों लेटर के लिए अलग अलग एक्शन रख दीजिए। ए लेटर की साउंड बोलिए ए ए, अगर बच्चा तुरंत कैच कर गया है तो तभी आपको क्लैपिंग करके दिखाएगा। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान भी नहीं तो बच्चा थोड़ा सोचेगा, थोड़ा माइंड पे जोर डालेगा कि हाँ मामा ने क्या बताया था, तो उससे इससे उसको बच्चे को ना साउंड की ओर अच्छे से पहचान होगी। आप बी बोलेंगे बच्चा जंपिंग करेगा, सी बोलेंगे बच्चा डांस करेगा, थोड़ा इस तरीके से आपको बच्चे को कराना है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और देखिए आपको मेरी इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, किसी भी लेसन में, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसके बाद भी मैं आपको और सॉल्यूशन दूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट क्लियर हो चुके। थैंक यू।